देखिए, ये जो गैंग का पर्दाफाश सदर बाजार पुलिस ने किया है, काफ़ी गुडवर्क इसमें किया है इन्होंने। इसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम है अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, और ये पहले भी इसी तरह के प्रकरणों में जो है ये जेल गया था और वांछित भी चल रहा था, गैंगस्टर में वांछित था थाना भरतपुरी से। इससे जो पूछताछ करी गई तो इसकी निशानदेही पे 3 कारें बरामद हुई हैं, जो ये चोरी की कारें असेंबल करके और उसके अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह लगा करके उसको अनसस्पेक्टिंग बायर्स को भी बेच देते हैं, प्लस साथ में इनका एक गैंग भी है जिसमें जो है ये ऑर्डर पर चीज़ों को चोरी करके और उसमें बाद में इनको जब इसके कागजात के साथ में वो बेच देते हैं। तो 3 कारें इसमें, एक ब्रेजा कार, एक ऑल्टो और एक इसमें बेलिनो, ये 3 कार जो है हमारी बरामद हुई है। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा थाना ब्रह्मपुरी में भी एक स्विफ्ट डिज़ायर कार पकड़ी गई थी, वो भी इन्हीं के गैंग के द्वारा ही चोरी करवा करके बेची गई थी। इस गैंग में जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका एक साथी भी थोड़े दिन पहले थाना ब्रह्मपुरी से जेल भेजा है, और एक और साथी जो कि चोरी करने में एक्टिव रहता था वो वांछित है, प्लस साथ में 2 और व्यक्ति जो जयपुर के रहने वाले हैं वो दोनों व्यक्ति इसमें वांछित हैं। सबके नाम और पते की जानकारी हमको हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में ये कार्य कर रहे थे। यूपी के साथ साथ आपको मालूम होगा ये जयपुर में भी इनका जो है सामान ये बेच रहे थे, इसके साथ साथ दिल्ली से गाड़ियाँ चुरा करके, बल्कि इनसे बातचीत करने में ये भी जानकारी आई है कि चेन्नई तक में इन लोगों ने गाड़ियाँ बेची हैं। तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा सदर बाजार पुलिस ने इस प्रकार से किया। देखिए, मैंने आपको बताया ये इस व्यक्ति के विरुद्ध ही 2020 से मुकदमे जो है लिखे हुए हैं, तो लगभग 6-7 मुकदमे पहले से ही हैं, तो कम से कम 1.5 साल पुराना ये गैंग है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। सर, इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? इसका मुख्य मास्टरमाइंड ये एक तो रामपाल नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि जयपुर का रहने वाला है, जो कि ऑर्डर पर इनसे जो है बात करता है और गाड़ियाँ यहाँ से ले जा करके उनको बेचता है। साथ ही साथ एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर लोकल हमारा व्यक्ति ये अज्जू सरजुद्दीन है। ये सब यहीं पे लोकल क्षेत्र में मिली है। मैं आपको बताऊँ बाकी चीज़ें जो है विवेचना के क्रम में कि गाड़ियाँ कहाँ से चुराई गई थी, और उनको हम लिंक कर रहे हैं जहाँ से ये गाड़ियाँ चुराई गई हैं उनके मालिकान से भी, और उनके विवेचकों से बात करेंगे, तभी जो है इस पूरे गैंग का पूरी तरह से खुलासा होगा। विवेचना के क्रम में आगे जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उन सभी को हम इसमें ला करके और इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।